हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप अपने घरों में अगर किचन बनाने की सोच रहे हैं तो आपको वास्तु के अनुसार किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है किचन बनाते समय, और किचन की क्या डायरेक्शन रहनी चाहिए। तो बेसिकली किचन और वास्तु से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आज की वीडियो में हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि किचन बेसिकली आपकी कौन सी डायरेक्शन में रहनी चाहिए। दोस्तों किचन की जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे कि अग्निकोण भी कहते हैं। और आपकी अगर किचन साउथ ईस्ट में तो सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद सेकंड बेस्ट जो है आपकी किचन वो नॉर्थ वेस्ट, जिसे कि वायु कोना भी कहते हैं। तो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी जो किचन है वो दो डायरेक्शन में रह सकती है, या तो साउथ ईस्ट में या तो नॉर्थ वेस्ट में। फिर दोस्तों किचन का जो सेकंड रूल है वो ये है कि जो आपका किचन है, एक तो वो पूजा रूम के साथ नहीं होना चाहिए, और आपका जो बेडरूम है या फिर जो टॉयलेट है ना उसके साथ होना चाहिए, और ना ही ऊपर होना चाहिए ना ही नीचे होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी जो है आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि जो आपका रूम है, बेडरूम है, उसके अंदर किचन नहीं होना चाहिए, और किचन के अंदर आपको जो है वो सोना भी नहीं है। फिर दोस्तों आपका जो किचन है उसके सामने आपका टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए। और अब बात करते हैं किचन के अंदर के बारे में, तो किचन की जो स्टोव है वो आपकी ईस्ट वाली वॉल पे होनी चाहिए, और जो आपका जितना भी वाटर का पार्ट है वो आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया में होना चाहिए, और जितनी भी स्टोरेज है वो आपकी साउथ वाली वॉल पे होनी चाहिए। और दोस्तों किचन में आपकी जो फायर और जो वाटर का जो काम है, यानी सिंक और जो आपका स्टोव है, वो भी आपका साथ साथ नहीं होना चाहिए। और स्टोरेज आप जो है साउथ वाली वॉल पे भी ले सकते हैं, और जो आपकी वेस्ट वाली वॉल है वहाँ पर भी आप किचन की स्टोरेज को ले सकते हैं। फिर दोस्तों एक चीज़ और जिसका आपको ध्यान रखना है कि जो आपका गैस का जो बर्नर होता है वो बेसिकली जो किचन में बंदा एंट्री करता है तो जस्ट सामने जो है वो गैस का बर्नर आपका जो है वो नहीं दिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज़ और कि जब लेडीज़ जब आपका किचन के स्टोव पे जब काम कर रही है, कुकिंग कर रही है, तो उसकी जो फेसिंग है वो ईस्ट की डायरेक्शन में रहनी चाहिए। अगर वो साउथ या वेस्ट की फेसिंग करके अगर वो खाना बनाती है तो उससे जो घर की जो लेडीज़ है उसकी हेल्थ पे जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं रहती है। फिर दोस्तों अगर आपको किचन के अंदर अगर आपको डाइनिंग टेबल रखना है तो वो आप नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट की डायरेक्शन में रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रिज की डायरेक्शन के बारे में। तो फ्रिज आप बेसिकली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं, नॉर्थ में भी रख सकते हैं, साउथ में भी रख सकते हैं, और वेस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। तो ये चार डायरेक्शन है जहाँ पे कि आप फ्रिज रख सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो ये कि जब आप किचन में बेसिकली रात को जब सोते हैं तो जितने भी आपके जूठे बर्तन हैं उसको साफ़ करके सोए, क्योंकि जितने भी जूठे बर्तन हैं वो रात भर जो है वो सड़ते हैं और वहाँ से फ्यूम्स निकलती है और पूरे किचन में जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो इस चीज़ का भी जो आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों अब हम बात करते हैं किचन के कलर्स के बारे में। तो किचन बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट वो फायर एलिमेंट की डायरेक्शन है, तो जितने भी हॉट कलर्स होते हैं फायर एलिमेंट के कलर्स होते हैं, जैसे कि आपके रेड के टच में आ गए, ऑरेंज के टच में आ गए, और आप वहाँ पे जो है ग्रीन या फिर जो आपका ब्राउन कलर होता है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि जो फायर का कलर हो गया और जो वुड का कलर हो गया ब्राउन या फिर ग्रीन, तो फायर जो है वो वुड को जला देती है। तो एक तरह से जो आपका एलिमेंट है वो बैलेंस रहता है, बजाय कि अगर आप ब्लू कलर ले लेते हैं तो वो एक एंटी एलिमेंट हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है किचन बनाते समय कि जो कलर्स हैं वो डायरेक्शन के हिसाब से हैं, एंटी एलिमेंटल कलर ना आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका भी जो है वो साइड इफ़ेक्ट जो है आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे वास्तु के अकॉर्डिंग आपको किचन बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इससे पहले भी मैंने आपको एक एनिमेशन वीडियो बना के दे रखी है किचन के वास्तु के ऊपर, तो वो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।